वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड एनर्जी के, जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रमुख उपकरण द्वारा जो ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, बस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण, चलिए शुरू करते हैं। ये आपके इधर उपकरण दिए गए हैं, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट और इधर आपका जो ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब में आपने क्या देख रहा होगा कि आपके घरों में विद्युत बल्ब लगा हुआ होता है। तो विद्युत बल्ब में क्या करते हैं, आपने स्विच ऑन किया तो उसमें क्या होता है, एक करंट जाता है। एक करंट कहां, यानी कि जैसे आपने स्विच ऑन किया तो एक करंट क्या होगा, एक करंट इसमें जाएगा। और जैसे ही करंट इसके अंदर गया तो क्या होगा, ये लाइट भी यानी कि जल गया। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी ली, उसे कहीं में कन्वर्ट कर दिया, उसे इसने लाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो विद्युत बल्ब का काम क्या होता है, वो जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको वो लाइट ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये विद्युत बल्ब का काम है। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन का जो सिंबल है वो W है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार ऐसे सीजल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टंगस्टन का सिंबल क्या है, तो वो W है। उसके बाद हमारा आता है विद्युत हीटर। तो आप सोच के देखिए विद्युत हीटर में हुआ क्या, वही फिर से हमने स्विच ऑन किया यानी कि हमने क्या दिया इसको, हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया। वो ठंड हो रही थी तो ठंड में जब उसको चलाया तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमें गर्माई दी। तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमको हीट दी। क्या दी इसने हमको, हीट दी, यानी कि ये क्या दे रहा है, ये हमें हीट दे रहा है। तो ये इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं में कन्वर्ट कर दिया, हीट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आता है हमारा लाउड स्पीकर। वैसे जैसे हमने क्या किया, हमने एक वायर के जरिए क्या किया, इसके अंदर करंट दिया, करंट के बाद क्या हुआ, इसमें साउंड गई। तो इसने क्या किया, साउंड को प्रोड्यूस कर दिया। तो इसके अंदर क्या किया, इसने विद्युत जो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको इसने साउंड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारा आता है विद्युत मोटर। आप सबके घर में मोटर लगा हुआ पानी वाला, तो वो यही है विद्युत मोटर भी करेगा क्या, आपने स्विच ऑन किया तो ये मोटर चल गया। तो इसको चलाने के लिए हमें कौन सी एनर्जी क्या नीड हुई, उसके चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड हुई। और जब ये चल गया तो इसने क्या किया, इसने हमें पानी दिया। क्या दिया, इसने पानी दिया। तो पानी जब देगा तो किस फॉर्म में देगा, ये हमें देगा मैकेनिकल फॉर्म में। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमारा आता है डायनेमो यानी कि जनरेटर। जनरेटर किसने प्रोड्यूस किया था, फैराडे ने। मतलब जो फैराडे ये उनकी देन है डायनेमो। तो ये क्या करता है, आपने देखा होगा इसको चलाने के लिए में क्या चाहिए, हम इसमें हत्थी खींचते हैं। तो जैसे हम इसको हत्थी से चलाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर के जरिए हमने इसको प्रेशर देने के लिए क्या लगाया, हमने एक मैकेनिकल एनर्जी लगाई अपनी तरफ से। तो इसने क्या किया, इसने घरों की लाइट क्या जला कर दी, इसने घरों की लाइट जला दी। तो जब इसने घरों की लाइट जला दी तो इसने क्या किया, इसने यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आप सब देखते होंगे कि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। आप कभी सोच के देख रहा, जो आपके घर के जो पंखे टीवी वगैरह जो हैं, आप इनको कभी बैटरी पर चलाना, ये बैटरी पर नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि इनको चलाने के लिए एसी करंट चाहिए। और जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर जो हमारी डीसी करंट जो होती है उसको एसी में वो कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वो पंखे चलते हैं। तो इन्वर्टर का काम क्या है, जो हमारी बैटरी वाली करंट है उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, यानी कि अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर देना, वो हमारा इन्वर्टर का काम करना। उसका नाम ही इन्वर्टर है, वो इन्वर्ट कर रहा है किसको, डीसी को एसी में इन्वर्ट कर रहा है वो, उसका मेनली काम यही है। तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, वो डायोड कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, डायोड कन्वर्ट करता है। तो जो आप सामने देख रहे हैं अगला जो हमारा एग्जांपल है वो मोमबत्ती का है। तो मोमबत्ती क्या होती है, एक मोम होता है, क्या होता है, उसके अंदर एक मोम होता है, एक धागा होता है। तो जब आप इसको लाइट करते हो तो क्या होता है, इसके अंदर धागा जलता है। धागा क्या हो रहा है, ये इसके अंदर किसके अंदर रासायनिक हो, यानी कि जो रसायन है इसका वही तो नीचे जा रहा है। तो ये क्या करा इसने, आपने इसके रासायनिक ऊर्जा को, इसने जब ये जल गया तो क्या करेगा, आपको ये लाइट भी देगा, थोड़ी सी हीट भी देगा। तो ये प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, यानी कि जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको ये प्रकाश और हीट ऊष्मा, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में उसको ये कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमारा आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसे कि आप क्या है, माइक, यानी कि उसमें क्या करते हैं, आप बोल रहे हैं, यानी कि आपने पहले क्या किया, पहले आपने इसको साउंड दिया। क्या दिया, आपने इसको साउंड दिया, और उसने साउंड को कहीं में कन्वर्ट कर दिया, इसने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। यही काम होता है माइक का, कि वो जो हमारी साउंड वेव्स होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारा आता है सोलर सेल। ये काफी हमारा जो आने वाली जनरेशन है वो सोलर सेल पर ही डिपेंड है, क्योंकि ये ही हमारे एनवायरमेंट को बचा
सकता है क्योंकि ये बिल्कुल पॉल्यूटेड होगी, पॉल्यूटेड फ्री एनर्जी है। तो सोलर सेल में क्या होता है, जो सूरज की किरणें पड़ती है वो प्लेट पर पड़ती है, सौर ऊर्जा पड़ी और सौर ऊर्जा से हमने क्या किया, हमने बैटरी लगाकर हमने करंट जनरेट कर ली, तो क्या हुआ, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देगा। तो कमेंट से अगला है हमारा सितार, अगला क्या है हमारा सितार, सितार में भी सेम वही है, इसके हम तरंगों को छेड़ेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पास से इसको फोर्स कर रहे हैं, फोर्स करना क्या कहलाता है, मैकेनिकल कर रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ही आपने इसकी तरंगों को छोड़ तो क्या हो रहा, वहां से आपको साउंड सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, साउंड सुनाई दिया, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को कहीं में कन्वर्ट कर दिया इसने, साउंड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आती है हमारी विद्युत सेल, विद्युत सेल भी क्या है, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, तो केमिकल एनर्जी को कहीं बढ़ते जी विद्युत ऊर्जा में, यानी कि आपने देखा होगा कि घड़ी वगैरह चला देती है, और ये हमारे रिमोट होते हैं टीवी वगैरह के, ये उनको भी चलाती है, तो यानी कि ये केमिकल एनर्जी को इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये एनर्जी कन्वर्ट वाला वर्ल्ड एनर्जी के कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट टॉपिक के लिए द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।